बहरा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुलह हुदैबिया, आप बड़ी दाना खातून थी, होशियार, फसीह, बलीग, शायरा, फकी और बहुत होशियार, डिसीजन मेकर, अच्छी मुशीर थी। आइए वाकया किस तरह से, बुखारी की रिवायत है, जब सुलह हुदैबिया हो गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिया, मुशरिकीन का मुआहदा हो गया, सहाबा ज़रा नाराज थे कि जो शर्तें थी वो क्यों मानेगी, जो कि शर्तें वन साइडेड थी पूरी, कि अगर हमारा आदमी मक्के से निकल के मदीना है तो वापस कर देना, तुम्हारा आदमी यहाँ पास आता हम वापस नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन के लिए एक तरफा एग्रीमेंट को भी साइन किया था कि अमन कायम हो, इस्लाम अमन को पसंद करता है, याद रखें, उसका नाम ही अमन और शांति। बहरहाल तो कुछ सहाबा वो थे कि नहीं करना चाहिए था ये एग्रीमेंट, ये ठीक नहीं हुआ, थोड़े से दिल में वो खलिश थी। उमर इब्ने खत्ताब अबूबकर के पास पहुंच गया रजी अल्लाह उन्हु, कहा क्या अबूबकर हम हक पर नहीं है, कहा हक पर, फिर लड़ते क्यों नहीं हम, क्यों मुआहदा किया ऐसे। बहरहाल ये कशमकश थी, सहाबा अलग ही हालत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास गए और कहा सहाबा, चूंकि उमरे की नियत से आए थे ना, अपने ऊँट जुबाह कर लो और बालों को साफ कर लो, मतलब शेव कर लो। अब एक बार कहा लोग नहीं उठे, दो बार कहा लोग नहीं उठे, तीन बार कहा लोग नहीं उठे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में गए और कहा उम्मे सलमा क्या हुआ है लोगों को, ये सफर में थी, उम्मे सलमा क्या हुआ है लोगों को, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपको एक बात, एक मशवरा देती हूँ, सुझाव देती हूँ, अगर आप अमल कर ले तो शायद हो जाए, आप कुछ मत मुँह से बोलिए, सीधा निकलिए खेमे से बाहर, ऊँट जुबा कीजिए, बाल साफ कीजिए और खेमे में वापस आ जाइए बगैर कुछ बोले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले खेमे से बाहर, गए ऊँट जुबा किया, एक नाई को पकड़ा, बाल साफ करा, खेमे में आ गए, सारे लोग भागना शुरू हुए, जल्दी जल्दी अपने अपने ऊँट जुबा किए, अपने अपने बाल साफ कर, चूंकि सहाबा को ऐसी उम्मीद थी, चूंकि अल्लाह के रसूल खाली कह रहे हैं करो, वो इंतजार कर रहे थे शायद हुक्म बदल जाए, इसलिए रुके हुए थे। जब नबी ने ऊँट काट दिया और बाल साफ कर लिए तो यकीन हो गया अब तो उम्रा होने वाला नहीं है, साल वापस जाने, फौरन लॉकडाउन। इससे एक बात पता चलती है, लोग खौल के मुकाबले में अमल को ज्यादा तरजीह देते हैं, समझ रहा, लोग खौल के मामले अमल को, जैसा कि बाप बच्चे बोल रहे बड़े नमाज पढ़ो और खुद नमाज नहीं पढ़ता तो बच्चा भी नहीं पढ़ता, लेकिन अमल, लेकिन ये बात आप याद रखिए, सुन्नत के मामले में अमल पर खौल को तरजीह दी जाएंगी। नबी ने क्या किया के मुकाबले में क्या कहा ज़्यादा अहम है, इसलिए कि नबी बहुत सारे काम करने में एक्सेप्शनल हुआ करते थे, तो इसलिए नबी के मामले में क्या किया नहीं, क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है, क्या किया वो भी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब क्या किया और क्या कहा दोनों आमने सामने आ जाए, इस हदीस में कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा और ये किया, तो किया को नहीं लिया जाएगा, कहा को लिया जाएगा, क्योंकि करने के मामले में नबी एक्सेप्शनल होते थे, कभी कभार वो एक्सेप्शनल होते थे, मतलब उन पर कंडीशंस नहीं होती थी वो लागू जो हमारे लिए थी, इसलिए जब अमल का मामला आएगा कि नबी ने क्या कहा और क्या किया और दोनों में इख्तलाफ है, तो क्या कहा उस पर मानूंगा, क्या किया उस पर नहीं होगा, लेकिन लोगों की जहनीत के अतबार से क्या किया वो देखते हैं, क्या कहा नहीं, समझ रहे ना। तो अल्लाह के रसूल कह रहे थे, सहाबा को लग रहा था शायद कोई हुक्म बदल जाए, रुके हुए थे, जब नबी ने काट दिया और बाल साफ कर लिए तो लोग फौरन दौड़ गए। इससे आपकी जहानत, होशियारी, दानाई और मशवरा देने की शायद पता चलता। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस्काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।